उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी मामले पर सियासी बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने लखीमपुर खीरी जाने के लिए आज अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कांग्रेस के एक शक्ति प्रदर्शन के जमीनों मोर्चों का एक छोर सचिन पायलट ने भी पूरी मुस्तैदी के साथ मोर्चा संभाले रखा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से संदेश मिलने के बाद सचिन पायलट टोंक का अपना दौरा छोड़कर दिल्ली पहुंच चुके हैं। पायलट दिल्ली से एक बड़े काफिले के साथ लखीमपुर रवाना हुए हैं। पायलट के साथ प्रियंका गांधी के करीबी आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हैं। हालांकि पायलट के काफिले को पहले गाजीपुर बॉर्डर रोक लिया गया था, लेकिन प्रशासन ने बाद में सचिव पायलट और आचार्य प्रमोद कृष्णम को कुछ कोरों के साथ जाने की इजाजत दे दी। पायलट कुछ समर्थक नेताओं के साथ लखीमपुर खीरी की ओर बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी भी हवाई मार्ग से लखनऊ पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी भी लखीमपुर खीरी जाएंगे और प्रियंका गांधी भी उनके साथ जाएंगे। खमीरपुर खीरी में आज कांग्रेस के तीन बड़े चेहरे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सचिन पायलट पहुँचेंगे। यहाँ आपको बताते चले कि सचिन पायलट यूपी में खास लोकप्रिय हैं। यूपी में आने वाले चुनाव में कांग्रेस पायलट का वहां इस्तेमाल करना चाहती है। अब देखना होगा कि सचिन पायलट के आने का कितना फायदा कांग्रेस को मिलता है।